हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से आपके चैनल सेल्फ हेल्प में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक संख्या की, जो एनसीईआरटी आरबीएसई कोई सा भी बोर्ड ले ले, उसमें 101% एक प्रश्न आता है, वो भी बड़े अंकों का। 6 अंक से कम का किसी पे नहीं आता, हर बोर्ड में आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं संख्या की, और इसमें माध्य हमें ज्ञात करना है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। प्रश्नावली 14.1 अच्छा 10 एनसीईआरटी आरबीएसई का पहला प्रश्न कहता है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है, ये हमें देखना है। देखिए, सबसे पहले सवाल अपने पास लिखा हुआ है, ये आपके वर्गीकृत आंकड़े हैं। क्या है? वर्गीकृत है, यानी 0 से 2 वर्ग, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। और ये आपके पास देखिए कितने घर है, 20 घर है, और ये आपका पास 3, 4, 9, 15, 17 और 20, यानी ये आपका 20 है। इसको हम सिग्मा बोलते हैं, ये जो है इसको हम सिग्मा के नाम से जानते हैं। सिग्मा इसका मतलब होता है जोड़, इन सब का जोड़ है ये। अब अपने पास वर्गीकरण आंकड़े तो दे दिए, ये आपकी बारंबारता दे दी, हमें इनका मध्यमान ज्ञात करना है। ये है आपका मध्यमान, यहां पे मैं लिखता हूं मध्य मान, जिसको हम एक्स आई के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। मध्यमान का मतलब क्या, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। 0 और 2 जोड़ा, 2 आया, 2 में 2 का भाग दिया तो आपके पास 1 आएगा। क्या आएगा दोस्त? 1 आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ा, 2 और 4 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास 3 आएगा। इस प्रकार से आप निकाल लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इनका अंतर देख लेना है, इनके बीच में अंतर कितना है। देखिए, सब में 2-2 का अंतर है, आप 2 इसमें जोड़ लीजिए, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, 11 और 13, ठीक है। अब देखिए इसके 12 और 14, 26 हो गए, 26 का अंतर कितना, 13 हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आप मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका ये स्टेप, ये तो सवाल था, एक स्टेप ये करना है, मध्यमान ज्ञात करना है बहुत ही आसान तरीके से। और उसके बाद ये एफ आई एक्स आई का मतलब एफ ये है और एक्स आई ये है, इन दोनों का गुणा करना, यानी कि 1 × 1 = 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 1 × 5 = 5 हो जाएगा, 5 × 7 = 35 हो जाएगा, और 6 × 9 ये 54 हो जाएगा, और 2 × 11 = आपके पास 22 हो जाएगा, और 3 × 13 = 39 हो जाएगा। इस प्रकार से इनको गुणा करना, ये एफ है, ये एक्स है, ये एफ है, ये एक्स है, इनको गुणा करके हमें जोड़ लेना है। इनको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे अपने पास तो ये क्या आएगा, 7 × 5 = 12, 12 × 5 = 17, 17 × 4 = 21, 21 × 30 = 32, 5 × 3 = 3, 3 × 6 = 6, 5 × 11 = 12, 2 × 13 = 3 = 16, 162 आ गए। अब अपने पास इसका सूत्र जो है एक्स बार, प्रत्यक्ष विधि से हम ज्ञात करते हैं माध्य। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसका मतलब हो गया 162, यहां से 162 बटा 20, ये 20, ठीक है। अब हम इसको क्या करते, काट देते हैं, 2 से काटा 10, इसको 2 से काटा 81 बराबर अपने पास 81/2, यानी 10, 81/10 सही है, तो 8.1, ठीक है दोस्त। इस प्रकार से अपना सवाल हो गया।
अपने पास यहाँ एक्स बार यानी माध्य 8.1 आ गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो एक निवेदन है हमारा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।